हेलो गाइस, वेलकम बैक अगेन इन फोबी इंजीनियर्स। तो हम टर्बो मशीनरी के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को डिस्कस कर रहे थे। इससे पहले लेक्चर में हमने यूनिट 1-2 को डिस्कस किया है, उसके इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को। नाउ इस लेक्चर में हम यूनिट 3, यूनिट 4 और यूनिट 5 को कवर करेंगे और देखेंगे किस टाइप के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन अभी तक आए हैं और आगे भी आते रहेंगे। ठीक है, और आगे देखते हैं। ठीक है, मैं वासिष सिंह, आप देख रहे हो फोबी इंजीनियर्स। तो चलिए शुरू करते हैं। ओके, तो यूनिट 3 से मैंने ओवरऑल कुछ 8-10 पेपर को मैंने रिव्यू किया और उस रिव्यू करने के बाद मुझे टोटल 11 क्वेश्चन इंपॉर्टेंट लगे हैं जो कि यूनिट 3 से आ सकते हैं। अगर वो आएंगे इस यूनिट से कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके एग्जाम्स में, तो इन्हीं में से, अदरवाइज नहीं आने वाले। आपकी किस्मत खराब होगी या जो भी, ठीक है, आएंगे तो इन्हीं में से आएंगे। तो आइए डिस्कस करते हैं किस टाइप का क्वेश्चन आने वाला है यूनिट 3 में और उसको कैसे हम एग्जाम में लिखेंगे। ठीक है, सबसे पहले तो क्लासिफिकेशन ऑफ हाइड्रोलिक टर्बाइन, हाइड्रोलिक टर्बाइन का क्या होता है वो लिखना। उसके बाद क्लासिफिकेशन ऑफ हाइड्रोलिक टर्बाइन में, जैसे इसमें आप लिखोगे क्लासिफिकेशन बेस्ड ऑन टाइप ऑफ एनर्जी, मीन्स इंपल्स टर्बाइन के बारे में लिखोगे आप, रिएक्शन टर्बाइन के बारे में लिखोगे। उसके बाद फिर हम बात करेंगे क्लासिफिकेशन बेस्ड ऑन डायरेक्शन ऑफ फ्लो, डायरेक्शन ऑफ फ्लो के अकॉर्डिंग बात करेंगे हाइड्रोलिक टर्बाइन के क्लासिफिकेशन में आ जाएगा हमारा टेंजेंशियल फ्लो टर्बाइन, रेडियल फ्लो टर्बाइन, एक्सियल फ्लो टर्बाइन, मिक्स्ड फ्लो टर्बाइन, ये सब आएगा। ये सबको इतना बड़ा है, ये काफी आता है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत बार ही आया है। अब इतना बड़ा है इसलिए नंबर भी अच्छे मिलते हैं, इसमें थ्योरी है। उसके बाद आता है क्लासिफिकेशन बेस्ड ऑन हेड, हेड के अकॉर्डिंग, हाइड्रोलिक टर्बाइन के हेड के अकॉर्डिंग भी हाइड्रोलिक टर्बाइन क्लासिफाइड है, जैसे हाई हेड इंपल्स टर्बाइन, मीडियम हेड रिएक्शन टर्बाइन, लो हेड रिएक्शन टर्बाइन। ओके, देन उसके बाद आपका क्लासिफिकेशन बेस्ड ऑन स्पेसिफिक स्पीड के बेस पे भी है, फॉर लो स्पीड, लो स्पेसिफिक स्पीड इंपल्स टर्बाइन, मीडियम स्पेसिफिक स्पीड रिएक्शन टर्बाइन, हाई स्पेसिफिक स्पीड रिएक्शन टर्बाइन, ये सब आता है हमारा क्लासिफिकेशन में। ठीक है, तो आपको इतना कुछ लिखना पड़ेगा। नाउ एक्सप्लेन द टर्म हाइड्रोलिक एफिशिएंसी, मैकेनिकल एफिशिएंसी, वॉल्यूमेट्रिक एफिशिएंसी एंड ओवरऑल एफिशिएंसी। आपको ये एकदम अच्छे से, ये क्वेश्चन 100% चांस है कि आपका इस बार भी एग्जाम में आएगा। उसकी थ्योरी पूछ सकता है आपको कि व्हाट इज हाइड्रोलिक एफिशिएंसी, उसका इक्वेशन जो आएगा वो क्या आएगा, फॉर्मूला क्या होगा हाइड्रोलिक एफिशिएंसी का, मैकेनिकल एफिशिएंसी का, वॉल्यूमेट्रिक एफिशिएंसी का और ओवरऑल एफिशिएंसी का फॉर्मूला क्या होगा और क्या होता है ओवरऑल एफिशिएंसी। ठीक है, और इसी टॉपिक के बेस पे आपको एक न्यूमेरिकल इस यूनिट से बन सकता है जिसमें आपको पूछा होगा कि कैलकुलेट मैकेनिकल एफिशिएंसी, वॉल्यूमेट्रिक एफिशिएंसी एंड द ओवरऑल एफिशिएंसी ऑफ द दैट क्वेश्चन। ठीक है, तो ये जो क्वेश्चन आएगा सिर्फ उसमें एफिशिएंसीज नहीं पूछेगा, उसमें आपका हेड भी पूछा जा सकता है। ठीक है, आपकी वेलोसिटी भी पूछा जा सकता है, मतलब मिक्स टाइप का क्वेश्चन आएगा, उसमें इस टाइप के न्यूमेरिकल आपको बनेंगे। ड्राफ्ट ट्यूब क्या होता है, हाइट ऑफ ड्राफ्ट ट्यूब क्या, लेंथ ऑफ ड्राफ्ट ट्यूब, उसकी डिजाइन कैसे करते हैं और कोई दो ड्राफ्ट ट्यूब आप याद कर ले उसका डायग्राम के साथ, ये क्वेश्चन भी आपको बनता है। और न्यूमेरिकल भी इस टॉपिक से बनते हैं, बट जो न्यूमेरिकल इस टॉपिक से बनते हैं वो बाकी के टॉपिक्स से कंबाइन करके, मतलब इस यूनिट से जितने भी न्यूमेरिकल बनेंगे तो इसमें इस यूनिट में जितने टॉपिक हैं सारे टॉपिक को कंबाइन करके आपको न्यूमेरिकल देखने को मिलेगा। नाउ डिटरमाइन स्पेसिफिक स्पीड ऑफ अ टर्बाइन, टर्बाइन की स्पेसिफिक स्पीड क्या होता है फॉर बोथ इंपल्स एंड रिएक्शन टर्बाइन, और इस पे ज्यादातर चांस होता है न्यूमेरिकल बनने का। ठीक है, ब्रीफ एक्सप्लेन द वर्किंग ऑफ पेल्टन टर्बाइन, पेल्टन टर्बाइन को आपको उसकी फिगर बनाना है, उसको एक्सप्लेन करना है, उसकी वर्किंग को बताना और उसके कंपोनेंट्स को बताना है। तो कंपोनेंट्स में आपके जैसे आ गए आपके नोजल्स और स्पीयर असेंबली का काम कैसे काम कैसे करता है उसके कंपोनेंट्स, वो भी रनर और बकेट का काम कैसे, बकेट के कितना क्या सेप होना चाहिए जो कि वाटर ज्यादा ज्यादा डिफ्लेक्ट करे और ज्यादा एनर्जी वो एब्जॉर्ब करे। ब्रेकिंग जेट क्या होता है, डिफ्लेक्टर क्या है, केसिंग क्या है, ये सब आपको पता होना चाहिए। नाउ कैविटेशन इन वाटर टर्बाइन, वाटर टर्बाइन में कैविटेशन का क्या रोल है और उसके डिसएडवांटेजेस क्या है ये देखना। कैविटेशन बोले तो पानी का जब टर्बाइन के ब्लेड से निकलता है उसमें कैविटी बन जाना ड्यू टू सम सॉल्ट या फिर ड्यू टू इम्प्योरिटी और ड्यू टू हाई प्रेशर वेरिएशन, इस सब के कारण, तो ये सब आप लिखोगे। नाउ एक्सप्लेन टर्म मैनोमेट्रिक हेड, ग्रॉस हेड, सेंट्रिफ्यूगल पंप साइड में आ जाए तो आप बताओगे कि मैनोमेट्रिक हेड क्या होता है, ग्रॉस हेड क्या है, स्टैटिक हेड क्या है, डिलीवरी हेड क्या है और जो जो एफिशिएंसी है उसका, वो सबके बारे में भी आपको यहाँ पे मिलेगा। और पेल्टन टर्बाइन से एक न्यूमेरिकल फंस सकता है, यूनिट 2 का न्यूमेरिकल फंसेगा इस जो कि आपको उसमें एफिशिएंसी सब पूछे या फिर हेड से रिलेटेड क्वेश्चन पूछे। ठीक है, मिक्स न्यूमेरिकल आपको आने वाला इस यूनिट में। ठीक है, नाउ
सेवंथ क्वेश्चन हो गया। एट क्वेश्चन, वेलोसिटी ट्रायंगल फॉर पेल्टन व्हील, बहुत इंपॉर्टेंट है। वेलोसिटी ट्रायंगल फॉर पेल्टन व्हील, फ्रांसिस व्हील एंड कैपलन व्हील एंड इट्स डिजाइन पैरामीटर न्यूमेरिकल। इस टॉपिक से न्यूमेरिकल वेलोसिटी ट्रायंगल जब आप सॉल्व करोगे तो उसमें आपको बहुत कुछ निकालने को मिलेगा। फॉर एग्जांपल, इनलेट वेलोसिटी का फॉर्मूला क्या है, आउटलेट वेलोसिटी ट्रायंगल का फॉर्मूला क्या है, विल वेलोसिटी का फॉर्मूला क्या निकल के आता है, सेम यूनिट टू में जो आप पढ़े थे वही सब है। बस थोड़ा बहुत इसमें एडवांस हो जाएगा एक आध न्यूमेरिकल, बाकी सब सेम है, तो आप कर सकते हो उस टॉपिक पे न्यूमेरिकल। नाउ न्यूमेरिकल यूनिट डिस्चार्ज पावर और स्पीड पे न्यूमेरिकल एक बनते हैं, जो कि जैसे कि मैं बताया कि मिक्स न्यूमेरिकल आने वाले हैं, वैसे ही ऐसा दो चार न्यूमेरिकल इस यूनिट से अच्छे खासा लगा लो, जिसमें आप कर लोगे, मतलब हर एक टॉपिक पे एक एक न्यूमेरिकल आप करके चले जाना और जो न्यूमेरिकल आएगा देखोगे आप सारे टॉपिक्स को मिक्स करके पूछा है, ठीक है। नाउ वेलोसिटी ट्रायंगल फॉर फ्रांसिस टर्बाइन एंड इट्स स्पेशली यहाँ पे इस टॉपिक का न्यूमेरिकल, जैसे कि मैं बता रहा हूँ, अगर क्वेश्चन एट आप देखोगे, क्वेश्चन एट जो है, एट का ज्यादातर क्वेश्चन जो बनते हैं पैटर्न व्हील पे बनते हैं, ज्यादातर न्यूमेरिकल पैटर्न व्हील पे बनेंगे, ठीक है। तो इसके वेलोसिटी ट्रायंगल को अच्छे से डिफाइन कर लेना और पैटर्न व्हील वेलोसिटी ट्रायंगल जब आप करोगे तो आप पैटर्न व्हील के न्यूमेरिकल्स भी इजीली सॉल्व कर सकते हो। यहाँ पे मैंने स्पेशली फ्रांसिस को से लिखा, क्योंकि मैक्सिमम बार क्वेश्चन पूछा गया है वेलोसिटी ट्रायंगल फॉर फ्रांसिस टर्बाइन के वेलोसिटी, जो तीन चार वेलोसिटी अलग अलग वेलोसिटी ट्रायंगल बनते हैं, थोड़ा अजीब टाइप का आपको एकदम यूनिक मिलेगा देखने को यहाँ पे वेलोसिटी ट्रायंगल। तो वो वेलोसिटी ट्रायंगल कैसे बना है और उसके फुल लोड और पार्ट लोड कंडीशन क्या है वो आपको बताना होगा। फ्रांसिस टर्बाइन पे भी आपको क्वेश्चन ही मिलते हैं करने को, और फ्रांसिस टर्बाइन के थ्योरी कॉन्सेप्ट बहुत कम चांस है आने का, बहुत कम। वर्किंग प्रिंसिपल ऑफ सेंट्रीफ्यूगल पंप कैसे काम करता है, उसकी वर्किंग कंडीशन क्या है और उसकी क्लासिफिकेशन क्या है, ये भी आपको यहाँ पे इसलिए न्यूमेरिकल इंपॉर्टेंट मिल सकता है, ठीक है। अब सेंट्रीफ्यूगल पंप का क्लासिफिकेशन में आप जब लिखोगे तो अकॉर्डिंग टू वर्किंग हेड के अकॉर्डिंग लिखोगे, लो हेड पंप, मीडियम हेड पंप, हाई हेड, जैसे कि वो टर्बाइन था तो लो हेड टर्बाइन, हाई हेड टर्बाइन, तो इसमें आप आ जाओगे लो हेड पंप, हाई हेड पंप, ठीक है। अकॉर्डिंग टू टाइप ऑफ केसिंग के टाइप का भी क्लासिफिकेशन है, किस टाइप का केसिंग है आपके कंप्रेशर का, सेंट्रीफ्यूगल पंप का, दैट इज वॉल्यूट केसिंग है, वोर्टेक्स केसिंग है, डिफ्यूजर केसिंग है, ये सब क्या होता है, ये सब इंपेलर के अकॉर्डिंग भी इसका क्लासिफिकेशन किया जा सकता है, फॉर सिंगल स्टेज पंप, फॉर मल्टी स्टेज पंप, ठीक है। ओके, तो यूनिट थ्री से ओवरऑल 11 क्वेश्चन मुझे जो इम्पोर्टेंट लगे ये है, ठीक है। नाउ अब हम कवर करते हैं यूनिट नंबर 4। यूनिट 4 से टोटल मैंने 8 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को कंसीडर किया है, जो कि काफी बार पूछा गया है, ओवरऑल 10 पेपर मैंने रिव्यू किया उसके अकॉर्डिंग। तो फर्स्ट क्वेश्चन जो है वो है वेक्टर डायग्राम ऑफ सेंट्रीफ्यूगल कंप्रेशर, ठीक है। मीन्स यूनिट 4 बोले तो रोटरी फैंस, ब्लोअर और कंप्रेसर के बारे में आप यहाँ पे पढ़ रहे होगे, तो इससे टॉपिक रिलेटेड टॉपिक कुछ क्वेश्चंस आ सकता है, जो कि वेलोसिटी डायग्राम, सेंट्रीफ्यूगल कंप्रेसर के वेलोसिटी डायग्राम को आपको बना के उसको कैसे बनाया हो वो बताना है और उसके तरीके को, ठीक है। और ये वर्किंग ऑफ सेंट्रीफ्यूगल पंप कैसे काम करता है उसकी पूरी वर्किंग आपको लिखना होगा। सेकंड क्वेश्चन है डिस्कस सर्जिंग फिनोमेना विद हेल्प ऑफ नीट डायग्राम, सर्जिंग फिनोमेना क्या होता है सेंट्रीफ्यूगल पंप में वो आपको लिखना है, ठीक है, सर्ज याद करना, पढ़ाया हूं मैं, ठीक है। नाउ थर्ड है डिफरेंशिएट दिस टर्म्स, दैट फैंस क्या होता है, कितने टाइप के फैंस होते हैं, ब्लोअर क्या होता है, कितने टाइप का ब्लोअर होता है, कंप्रेसर कितने टाइप का, इन टर्म्स ऑफ प्रेशराइज के टर्म में आपको ये सब को बताना है। फोर्थ क्वेश्चन आपका है ड्रॉ एंड एक्सप्लेन द वेलोसिटी ट्रायंगल एट इनलेट एंड एग्जिट ऑफ द एक्सियल फ्लो कंप्रेसर। तो इस यूनिट में ज्यादातर हम लोग दो पढ़ेंगे, एक हम एक्सियल कंप्रेसर पढ़ते हैं, एक सेंट्रीफ्यूगल कंप्रेसर हम पढ़ेंगे। सेंट्रीफ्यूगल कंप्रेसर का वेलोसिटी ट्रायंगल और उसकी वर्किंग पढ़ लो, और सेम टू सेम एक्सियल कंप्रेसर का भी आप वेलोसिटी ट्रायंगल डायग्राम पढ़ लो और उसका एक्सेल वर्किंग पढ़ लो, ठीक है। फिफ्थ क्वेश्चन आता है व्हाट इज फैन लॉ, फैन लॉ तीन तरह लॉ है, ठीक है, फर्स्ट लॉ, सेकंड लॉ, थर्ड लॉ, ऐसे करके फैन लॉ है, उसके ज्यादातर न्यूमेरिकल ही बनते हैं, ऐसा बहुत कम पूछा गया है। एंड द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ सेंट्रीफ्यूगल ब्लोवर्स, सेंट्रीफ्यूगल ब्लोवर्स के कैरेक्टरिस्टिक को डिफाइन कीजिए। अगला है हमारा 6, डिफाइन स्लिप फैक्टर। ये क्वेश्चन बहुत कम बार पूछा गया है, ज्यादातर इस टॉपिक से न्यूमेरिकल आपको देखने को मिलेगा, तो उसका फॉर्मूला याद कर लेना काफी है। एक्सप्लेन इट्स सिग्निफिकेंस, ओके, स्लिप फैक्टर क्या होता है उसको एक्सप्लेन करना है विद द हेल्प ऑफ बोथ डेरिवेशन एंड ऑल, ठीक है। इस यूनिट से भी एक आख ही न्यूमेरिकल आपको देखने को मिलेगा, बाकी सब थ्योरी ज्यादातर मिलेगा। क्वेश्चन 7 है वेरियस लॉसेस विच अकर इन कंप्रेसर, जब कंप्रेसर वर्क करता है तो उसमें कौन कौन से लॉसेस होते हैं उसको आपको डिफाइन करके लिखना है। नाउ लास्ट क्वेश्चन है हमारा एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस ऑफ सेंट्रीफ्यूगल कंप्रेसर, बस
यूनिट 4 से, ओवरऑल इतने ही क्वेश्चन आएंगे, इसके अलावा कोई क्वेश्चन आपको हटके नहीं आने वाला एग्जाम में, अगर आया तो फिर किस्मत खुटी है, ठीक है। नाउ यूनिट 5, यूनिट 5 से ओवरऑल 7 क्वेश्चन हम मैंने सजेस्ट कंसिडर किया है। तो जो पहला क्वेश्चन है यूनिट 5 बोले तो क्या नाम है अपने यूनिट 5 का, ये टोटली बेस्ड है पावर ट्रांसमिटिंग से या फिर हाँ पावर ट्रांसमिटिंग टर्बाइन से रिलेटेड। यूनिट 5 में जो क्वेश्चंस बनेंगे, पॉजिटिव डिस्प्लेसमेंट मशीन क्या होता है, उसमें दो टाइप का आता है, रेसिप्रोकेटिंग इंजन और रूट ब्लोअर, कैसे काम करता है उसका फिगर, बस इतना करके आपको छोड़ देना है, काम खत्म। फ्लूइड कपलिंग की वर्किंग कैसे होती है उसका फिगर बहुत इंपॉर्टेंट है। टॉर्क कन्वर्टर बहुत ज्यादा, फ्लूइड कपलिंग टॉर्क कन्वर्टर बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, हमेशा आता है ये। टॉर्क कन्वर्टर का फिगर और उसकी वर्किंग कैसे है वो लिखना है। मैंने इसका शायद मैं ये टॉपिक नहीं पढ़ाया हूँ, बट अपने प्लेलिस्ट में दूसरे के वीडियोस यूट्यूबर्स के वीडियो मैंने उसमें ऐड किया है, आप देख सकते हो। कुछ नहीं करना है, बस फ्लूइड कपलिंग क्या होता है लिखना है, आपको वीडियो को हिंदी में समझना है, काम खत्म। हाइड्रोलिक इंटेंसीफायर क्या होता है सेम आप यूट्यूब पे डालो, देख लो क्या होता है इंटेंसीफायर, उतना ही लिख देना। ड्रॉ द स्केच, सिस्टमेटिक स्केच ऑफ रेसिप्रोकेटिंग पंप एंड डिस्कस इट्स फंक्शन, रेसिप्रोकेटिंग पंप के बारे में लिखना है। अब हमारे रेसिप्रोकेटिंग पंप में आपको बहुत सिंगल एक्टिंग रेसिप्रोकेटिंग पंप, डबल एक्टिंग रेसिप्रोकेटिंग पंप, उसका डायग्राम, उसका इंडिकेटर डायग्राम जो हो गया, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। हाइड्रोलिक एक्यूमुलेटर क्या होता है वो देख लेना, बहुत कम चांस है आने का, बट देख लेना। हाइड्रोलिक प्रेस भी कम चांस है, 6 और 7 क्वेश्चन कम चांस है आने का, बाकी के 5 क्वेश्चन बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है यूनिट 5 के। ओके, तो बस इतना ही था टर्बो मशीन में, आप इसकी तैयारी करना, एंड ऑल द बेस्ट फॉर द एग्जाम। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, प्लीज लाइक एंड शेयर इट, एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब इट।